साथियों नमस्कार, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंह लगन एवं सिंह राशि वाले जातकों का भाग्य रत्न कौन सा है, आपको जन्म कुंडली खोलते के साथ ही किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और आपको कौन से देवता की उपासना करके जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं, इसके साथ ही सिंह लग्न एवं सिंह राशि वाले जातकों के विषय में तमाम वह बातें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है आज की वीडियो में बताऊंगा और बारीक से बारीक जानकारी आपको मैं बोर्ड पर समझाऊंगा सिंह राशि के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, सिंह राशि एवं सिंह लगन वाले जातकों के विषय में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। सिंह राशि के स्वामी हैं भगवान सूर्य, जिनका स्वभाव राजा वाला है, ग्रहों के राजा हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सिंह राशि के जो लोग हैं उनका स्वभाव रॉयल होता है, राजाओं की तरह होता है। सिंह राशि वाले जातकों को अपनी जन्म कुंडली खोलते के साथ ही उसमें सूर्य की स्थिति देखनी चाहिए, मंगल की स्थिति देखनी चाहिए और शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में यह तीनों ग्रह कमजोर हैं तो जन्म कुंडली बिल्कुल लो ग्रेड की होती है। इसमें सूर्य और शुक्र का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। आइए समझते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य जो है लगन के यानी कि प्रथम भाव के स्वामी होते हैं, तो आपको स्वास्थ्य की कामना से और पूरी जन्म कुंडली को मजबूत बनाने के लिए जन्म कुंडली के 12 जो भाव हैं उनको बल देने के लिए माणिक रत्न आपको पहनना चाहिए, क्योंकि सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत। साथियों, आपके जन्म कुंडली में पराक्रम तीसरे भाव के और 10वें भाव के यानी कि कर्म स्थान के स्वामी होते हैं भगवान शुक्र। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अति बाल्यावस्था में है यानी कि 4, 5 या 6 डिग्री में है, या अति वृद्धावस्था में है 25 डिग्री के बाद में है, या मृत अवस्था में है 0 से 3 तक, 27 से 27, 28, 29, 30 यहाँ पर है, तो दोस्तों आपको प्रत्येक कार्य में अपने जीवन में असफलता का, टेंशन तनाव का सामना करना पड़ेगा। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको शुक्र को रिसर्च करना है, सूर्य के बारे में आपको रिसर्च करना है, सूर्य की स्थिति क्या है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है आपका मंगल, चूँकि मंगल आपका 4th घर का और 9वें घर का यानी कि भाग्य का स्वामी जो है, आपका जो भाग्येश है वो मंगल है। तो साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है तो भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, और मंगल की स्थिति कमज़ोर होने पर भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो मंगल के कमज़ोर होने पर आपको मंगल के सारे उपाय करने चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा आपके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके विषय में। आपका भाग्य रत्न है मूंगा और माणिक आपका राशि रत्न है, इसके साथ में ओपल आप पहन सकते हैं। यदि सूर्य कमज़ोर है तो माणिक पहनिए, मंगल कमज़ोर है तो मूंगा, और शुक्र आपका जन्म कुंडली में कमज़ोर है ओपल, ज्योतिषी की सलाह से 3 ये भाग्य रत्न आपके होते हैं यहाँ पर। क्योंकि आपके 9वें घर में मेष राशि यहाँ पर है, मेष राशि के स्वामी मंगल है, तो श्री हनुमान जी का कोई भी मंत्र, कोई भी साधना उपासना करके आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। आपके शुभ वार है रविवार और मंगलवार, और जन्म कुंडली में विशेष क्या आपको देखना है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जन्म कुंडली में आपको विशेष क्या देखना है मैं बता देता हूँ। जन्म कुंडली खोलते के साथ ही सबसे पहले आपको सूर्य की स्थिति को देखना है। सूर्य यदि शनि से दृष्ट है
अति बाल्य अति वृद्ध अवस्था में है, पाप कर्तरी योग में है, कुल मिलाकर के आपका सूर्य कमजोर है, तो आपको तत्काल उस पर ध्यान देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें और माणिक रत्न तत्परता के साथ धारण करें। सिंह लग्न एवं सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी होता है। सेकेंड, आपको जो आपकी जन्म कुंडली में सबसे विशेष है मंगल, क्योंकि मंगल आपकी जन्म कुंडली में ये चौथे और भाग्य के स्वामी आपके हैं, तो भाग्य से नवमेश का कमजोर होना ये भी कदम कदम पर एक तरह से टेंशन को बढ़ाने वाला होता है। जब भी चार कदम आगे बढ़ो चार कदम पीछे हट जाओ, सांप सीढ़ी वाला खेल आपका जीवन बन जाता है, कहीं ना कहीं वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, टाइम खराब करने वाली बात है। तो मंगल यदि आपका 5 डिग्री से नीचे है या 25 डिग्री के ऊपर है, 5 डिग्री से नीचे अति बाल्य या मृत अवस्था, 25 के ऊपर अति वृद्ध अवस्था, दोनों कंडीशन में आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और मंगल से संबंधित सारे के सारे उपाय करना चाहिए। नंबर 3 और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, शुक्र यदि आपके कमजोर हैं तो आपको देवी की उपासना करनी चाहिए। शुक्र के कमजोर होने पर सिंह राशि वाले लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और चूंकि 10वें घर के स्वामी हैं तो शुक्र के कमजोर होने पर सिंह राशि एवं सिंह लग्न वाले जातकों को मान सम्मान में हानि, पिता से असहयोग, विचारों का न मिलना, टेंशन तनाव की स्थिति और कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा को आपकी बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है, राजनीति में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो व्यक्ति के अंदर व्यापकता नहीं आ पाती। तो कहीं ना कहीं 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, 3 ग्रहों पर आपको ध्यान देना है। मैं कामना करता हूँ सिंह लग्न से संबंधित यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।